है, आशा करते हैं अपना अच्छा गया और आपके भाई मस्त है। तो गाइस आपको दिखाने जा रहा है टेलको की सबसे बड़ा राम मंदिर, और ये जमशेदपुर का सबसे बड़ा राम मंदिर है। तो आप लोग बेशक वीडियो में बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, वीडियो को और बढ़ते और आपको दिखाएं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने भूलिए मत, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी मेरे चैनल में नया है सब्सक्राइब करके ही जाइए और बेल आइकन वाला घंटी जरूर प्रेस कीजिए ताकि नया नया का वीडियो आपको अपडेट मिलते रहे। तो चलते हैं वीडियो को और आप लोग वीडियो में बने रहिए। है ये बड़ा गेट है, ये कब खुलते हैं हमको नहीं मालूम, बट लेकिन आप लोग कभी भी आइएगा तो इसी गेट से प्रवेश कीजिए। जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं अभी, अंदर घुस रहे, तो आप लोग आइएगा जरूर यहाँ पे, एक बार विजिट कीजिए आप लोग आके, देखिए एक राम मंदिर कितना बड़ा, तेलको के राम मंदिर। चलते हम लोग राम मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं। मंदिर कितना सुंदर है, राम को सजाया है, राम बीच में है, लक्ष्मण साइड में है और सीता उनका बगल में। कितना सुंदर, इतना सुंदर मूर्ति लग रहा है, देख के मेरा दिल खुश हो गया। क्योंकि यकीन मानिए आप लोग कभी भी इधर आइए और राम का मंदिर को देख के आप लोग खुद बोलिएगा कि मन को शांति लगेगा यहाँ पर आके। गाइस कभी भी हो सके तो आप लोग यहाँ पे आइए टेलको में और विजिट कीजिए, बहुत अच्छा है यहाँ पे आके आप लोग देखिएगा, शांत एकदम लगेगा आपको कि इतना अच्छा लगेगा। और उसका सामने में देखिए हनुमान जी बैठा हुआ है, उनको लाल कपड़ा में ढका हुआ है। चलते उसके अंदर और थोड़ा सा आपको थोड़ा दिखाते जी। और राम मंदिर बनाया मतलब 1965 में बनाया है, बनाया गया है। अच्छा, और इनका पूजा का टाइमिंग, और इनका सुबह में ठंडा के दिन में 7:30 बजे जी, गर्मी के दिन में 7:30 बजे जी, रात्रि में ठंडा के दिन में 6:30 बजे जी, और गर्मी में रात में 7:30 बजे आरती होती है। भगवान का कीर्तन होता है, स्तुति होता है, कीर्तन स्तुति होता है। और यहाँ पे कोई प्रोग्राम और कुछ होता है? प्रोग्राम गुरुवार को, हर गुरुवार को भगवान का कीर्तन होता है, भजन कीर्तन होता है, इसे मनाया जाएगा। अभी प्राण प्रतिष्ठा दिवस माघ शुक्ल पक्ष बसंत पंचमी को हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा दिवस जी, उसमें भगवान का कीर्तन किया जाएगा 24 घंटे का। चलिए बाबा आपको बहुत अच्छा, बाबा हम लोग को बताया राम के बारे में, तो आप लोग कभी भी इधर आइएगा। राम की महिमा तो जन्मे करते हैं, नहीं कहने के बाद भी इनका महिमा जानते हैं कितना इनका तो राम ऐसा चीज है जिसका दिल में राम, राम मुंह से निकल जाने से भाव सागर से पार हो जाना है। जी जी सही बात है, क्या महिमा कुछ मत जानिए, खाली राम मुंह से अगर निकल जाए तो बहुत सागर से पार कर। और ये टेलको का बड़ा राम मंदिर है, बहुत हाँ, टेलको का बड़ा राम मंदिर है। जमशेदपुर बोलिए, जमशेदपुर से है? हाँ, जमशेदपुर। ये जमशेदपुर का सबसे बड़ा राम मंदिर, राम मंदिर। और यहाँ घूमने के मतलब पार्क कुछ है कि नहीं घूमने के? पार्क तो जुगली पार्क है। नहीं नहीं जुगली पार्क नहीं, यहाँ पे राम मंदिर का मतलब यहाँ एक भुवनेश्वरी मंदिर है। अच्छा अच्छा, भुवनेश्वरी मंदिर चले जाइए, वहाँ भी दर्शन कर आइए जी। भुवनेश्वर मंदिर भी दर्शन करके आ जाइए। तो आप यहाँ पे हमेशा रहते हैं? हम पुजारी हैं यहाँ का, इतना कितना पुजारी यहाँ पे, एक ना दो पुजारी हैं। मतलब आपका टाइमिंग मतलब सुबह से लेके सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक जी, शाम को 5 बजे से 9 बजे रात तक। चलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि बाबा बताया है अपने बारे और राम का बारे भी। तो गाइस कभी भी इधर आइए, आप लोग विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छा जगह है, देख सकते हैं राम राम का मूर्ति देखिए, आपको जा सकते हैं अंदर थोड़े से नहीं जा सकते। तो गाइस हमको जाने मना करा क्योंकि यहाँ पे मना कर रहा था, हम आपको दिखाते हैं दूर से ही, देख सकते राम का कितना सुंदर मूर्ति है और पूरा यहाँ देख सकते सजाया हुआ पूरा है, और सामने में हनुमान को है इधर घूम। साक्षात परमात्मा जी, साक्षात परमात्मा है जी राम, यहाँ साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, देखने से आपको मालूम है साक्षात राम के पास आ गए। सही बात है, एकदम सही बात है, दिल को सुकून मिलता है, एकदम मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जीवन में दर्शन करना चाहिए प्रभु का, एकदम सही बात है, सही बात है, तभी धन जीवन धन हो सकता है। जी जी सही बात है। तो गाइस मैं आपसे यही कहने चाह रहा हूँ, जीवन में तो बहुत पैसा धन दौलत सब कुछ मिलेगा, पर एक चीज जान जाए, भगवान का पास आप आइएगा और उसका सामने बैठिएगा, दर्शन कीजिए, इससे बड़ा कुछ चीज नहीं होता। गाइस पैसा तो धन दौलत बहुत को तो आज रहेगा लेकिन चले जाएगा, पर ये राम हमेशा अपना दिल में बसे रहेगा। तो आप लोग
मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इस भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि और अच्छा अच्छा वीडियो आपको दे सके। आपके भाई हमेशा इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं मंदिर के बारे जमशेदपुर में, हर वीडियो हम आपको देते रहते हैं गाइस। प्लीज सपोर्ट कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस यही कहना चाह रहा। और आगे चलते और आगे दिखाते आपको, वीडियो में बने रहिए। थैंक यू। गणेश भगवान यहाँ पे है, इनका सामने में देख सकते हैं, यहाँ गणेश राम मंदिर के राम का बगल में है गणेश का भी मूर्ति। कितने सुंदर पत्थर से बना, हर चीज सब पत्थर में, मार्बल का पत्थर से बना हुआ गाइस, देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखाते हैं, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है आपको, देख सकते हैं मार्बल का पत्थर से बना। राम का मंदिर भी राम का जो मूर्ति जो बना है वो भी मार्बल का ही पत्थर से बनाया हुआ है मूर्ति। चलिए उसके आगे बगल में फिर एक है, साइड में है शिव जी का, उनका भी दिखाते हैं आपको। राम मंदिर के सामने में शिव बाबा का लिंक बना हुआ है, कितना सुंदर देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। और यहाँ पे गणेश का भी आपको दिखा दिया, राम भगवान के राम का भी दिखा दिया, शिव का भी दिखा, आप दिखाते हैं दुर्गा मंदिर का, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। हम आपको शिव मंदिर तो दुर्गा माँ का मंदिर, पार्वती जी का मंदिर, तो गाइस देख सकते हैं आपको बोर्ड के सामने लिखा है, ये देखिए आप पढ़ लीजिए क्या लिखे हैं। हम आ गया है पार्वती जी का मंदिर, और चलते पुजारी से कुछ पूछते। हमेशा यहाँ रहते हैं? जी नहीं, हम अभी आए हैं, आज आए हैं जी, अब आज आए हैं, मेरा पहला दिन है। और उसके बाद हम आज ये आज से लेके हम 8 तारीख तक आएंगे। अच्छा, मतलब वही 8 तारीख तक आएंगे। यहाँ जाप चल रही है दुर्गा माँ की, जो जाप चल रही है जी। 8 तारीख तक हम रेगुलर आएंगे मंदिर में, हम और दुर्ग बाबा रहेंगे 8 तारीख तक। तो मतलब आप ये जो अभी पढ़ रहे हैं, आपका ट्रेनिंग हो रहा क्या? नहीं, जाप चल रहा जी। जाप चल रहा जी? नहीं, जाप चल रहा, जाप जी, जाप चल रही है अभी। यहाँ मैं करके गया हूँ जाप एक बार, और वो है शंकर भगवान का थे, सावन में करके गए थे शंकर भवन का, और इस बार दुर्गा माँ का कर रहे हैं हम लोग। तो इस बार हम लोग दुर्गा माँ का कर रहे हैं, इसलिए हम लोग 8 तारीख तक रेगुलर आएंगे। और ढेर सारा भैया को प्यार दीजिए सब्सक्राइब में, और थैंक यू, वेलकम। तो गाइस हमारे सामने जो पुजारी जी वो बता दिए कि 8 तारीख तक यहाँ रहेगा, और उनका जॉब चल रहा है, जो उनका कोशिश कर देख सकते हैं, पूरा पढ़ाई किताब का पूरा पढ़ रहे हैं। तो गाइस अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस भाई को सपोर्ट कीजिए। चलते और अंदर, और भी है कुछ मूर्ति मूर्ति इधर अंदर है, राम मंदिर तो दिखा दी, और भैया तो देखिए उधर दिखाइए। अच्छा ठीक है, व्यू अच्छा है, व्यू तो बहुत सुंदर है। उनकी पार्वती जी के ठीक बगल में भी शिव जी का लिंक है, आपको दिखाते देख सकते हैं आप, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, कितना सुंदर प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आपको नजदीक लेके दिखाते, कितनी सुंदर से ये थोड़ा सा जाली दिया बोल के गाइस, इसीलिए पूरा नहीं दिखा पा रहा, पर कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा वीडियो दे सके हम, कितने सुंदर लग रहा है। चलते फूल का बगीचा के अंदर और पूछते मैम से कि किस बजट में बिके जा रहा है यहाँ पे फूल, तो आप वीडियो में बने रहिए। इसका नाम है इम्प्रेशन। अच्छा, ये सीजन वाला प्लांट है। सीजन वाला प्लांट है, मतलब हर सीजन में लगा सकते हैं ना खाली ठंडा का मौसम में? ये विंटर का ही है। अच्छा, मतलब ठंडा का मौसम में स्टेट जगह में रख देने से अगस्त सितंबर तक खिलेगा। अच्छा, तो 20 रुपीज है? हाँ, ओनली 20, मतलब उतने ही छोटा का 20 रुपीज है। हाँ। उसका बड़ा अगर होगा तो प्लांट 60 ये तो आएगा उसका बड़ा। अच्छा अच्छा, तो ये आप साथ में दीजिएगा ना, इसका साथ के साथ ही मिलेगा। अच्छा, पोर्ट के साथ मिलेगा। और उसे और ज्यादा बजट का सीजन में जी, सीजन का आएगा आपका 100। मतलब इस सीजन में क्या क्या उग रहा है, मतलब इस सीजन में कौन सा, मतलब कौन सा होगा? पिटूनिया, डाइंथस, इम्प्रेशन है। अच्छा,
लिलियम आएगा, गजेनिया है, जो सब इस मौसम में ना फूल सब जो अच्छा रहते दिखने में वो सब दिखा सकते हैं आप। हाँ, ये देखिए ये है गजेनिया। गजेनिया ये 50 रुपीज। अच्छा, ये साल्विया आएगा। साल्विया, साल्विया का मतलब क्या चीज का देख के आप लोग साल्विया नाम दिया इसमें? कुछ तो होगा, आप लोग नाम तो दिया है, कुछ तो नाम जिसको देख के आपको लगेगा साल्विया है, बताइए कम से कम। अरे कहना क्या चाहते हो? पूछने लगी आप, बोलिए। नहीं इसका तो मेरे को इतना ही है। चलिए कोई बात नहीं है। ये लिलियम है। लिलियम है, ये लिली का जैसा फूल है। अच्छा अच्छा, इसीलिए लिली है ना। अच्छा अच्छा, और इसका जो बॉल बनता है। अच्छा, सीड्स नहीं आया, वो बॉल भी उसका सीड्स है। ओहो नाइस, ये भी विंटर का है, मतलब ठंडा का मौसम में। ये बोगन मिलिया है, 12 मंथ आएगा आपका। अच्छा, ये दोनों का प्राइस क्या है? ये 100 रुपीज। वो 100 रुपीज, ये भी 100। तो इसमें और इसमें बड़ा क्या है? इसमें ये इतना बड़ा है। अच्छा, ये 12 साल का है, ये 12 साल का है, 12 महीना। अच्छा, ये आपका हो गया विंटर। सॉरी गाइस, वो 12 महीना 12 साल बोल दिया, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, वो 12 महीना का है। और ये है सिर्फ ठंडा का मौसम है। और ये देखिए व्हाइट व्हाइट कितना सुंदर लग रहा है। 10 रुपीज। वाह, ये सीजन का है। देखिए गाइस कितना घर के सामने में रख दीजिएगा। अलेशियम नाम है। अलेशियम, और ये इतना ही बड़ा होगा और इससे बड़ा नहीं होगा? हाइट नहीं होगा। अच्छा, फूल होगा मगर हाइट नहीं होगा। इतना ही हाइट। ये भी ठंडे का मौसम ही है। हाँ, ये भी मौसम ठंडा का। अच्छा, और ये सब? ये हिबिस्कस है, ये 12 मंथ आएगा। अच्छा, ये 12 मंथ। हाँ, ये 60 रुपीज। इसको क्या क्या आ जाएगा? जोगा फूल कुछ बोलता है ना कुछ? हिबिस्कस, जवाब फूल, हिबिस्कस। अच्छा, हिबिस्कस, सॉरी। तो गाइस ये हिबिस्कस है, और ये कितना कितना प्राइस इसका? वो 60 रुपीज। तो ये इतना ही बड़ा ना? और बड़ा तो होगा, ये इतना ही प्लांट बड़ा होगा। अच्छा, प्लांट बड़ा होगा, 3 फीट। 3 फीट। और इधर जो है रोज का है क्या? रोज ये आएगा, पेंजी। पेंजी 50 रुपीज। कितना सुंदर है कलर, देख सकते गाइस सामने जाके आपको दिखाते हैं। कितने बोले इसका? 50 रुपीज। ग्रो बैग में आएगा। वाओ, कितना सुंदर है। हर कितना कलर का है ये? कितना कलर का होता है? 5-6 कलर का होगा। 5-6 कलर अभी तो आपको दिख रहा है, 1, 2, 3 कलर दिखा, और 4 गाइस देख सकते हो। एक कलर है ये देखिए, एक इधर है ब्लू, इधर है येलो, इधर है व्हाइट, व्हाइट तो ये देखो व्हाइट, 4 कलर दिख रहा है। लेकिन इसने कितना कलर बोले था? 5 कलर। और एक कलर जो है पिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 5 कलर का होता है, इसका 60 रुपीज़ दाम है। आप लोग आके ले सकते हैं यहाँ पे कभी भी। 50 रुपीज़। अच्छा, 60, सॉरी गाइस, ये 50 रुपीज़ का है। और उधर दिखा सकता है वो सबको? अच्छा, बॉन्साई प्लांट है। बॉन्साई प्लांट, ये 1200 रुपया है प्राइस। गाइस देख सकते हैं बॉन्साई प्लांट है, और 1200 रुपए इसका प्राइस है, और साथ में ही दे रहा है फाइकर्स। एवरग्रीन प्लांट है, एवरग्रीन। ये आएगा उसका स्मॉल साइज 700 का। 700, इसमें कुछ डिस्काउंट उसका है कि नहीं? 10% डिस्काउंट। तो गाइस आप लोग यहाँ आ सकते हैं। स्ट्रॉबेरी क्या बोले इसको? स्ट्रॉबेरी। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ये खाने वाला है क्या? हाँ, खा सकते हैं इसको क्या? हाँ, स्ट्रॉबेरी है। ये इतने ही छोटा था क्या? क्या? अरे हाँ, मतलब ये मिट्टी कम है ना। अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए। अच्छा अच्छा, हाँ कर दीजिए, 80 रुपये। अच्छा, 80। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे और भी फूल है, दिखाते हैं आपको। डालिया है, डालिया देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर है यहाँ। कोलंचो, इसका नाम कोलंचो है। ये 3-4 कलर का आएगा। अच्छा, इसका है 80 रुपीज। अच्छा, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने हर तरह का फूल है, देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर कलर का। डालिया होगा, डालिया, इसका प्राइस 70 रुपीज। 70 रुपीज, बहुत सुंदर लग रहा है। तिलोसिया है, 30 रुपीज का है, ओनली 30 रुपीज। और ये क्या, मिर्चा का पेड़ है क्या? चिल्ली, चिल्ली। गाइस देख सकते हैं ग्रीन चिल्ली, लेकिन अभी फला नहीं है। कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए गाइस छोटा छोटा दिख रहा है, काला कलर का है। और देखिए काला कलर का होगा ना। इसका कितना प्राइस? 30 रुपीज। इतना ही बड़ा होगा, और तो बड़ा नहीं हुआ। ऑर्नामेंटल, वाह कितना सुंदर लग रहा है गाइस, देख सकते है हर कलर का है इसमें। जैसा रहा बंधा गोभी जैसे दिख रहा है, उसी टाइप का लग रहा है। देखिए बंधा गोभी जब होता उगता है तो इसी टाइप का दिखता है पहले, उसके बाद कलर भी ऐसे। ओनली 70 रुपीज। कार्नेशन फ्लावर, इसका प्राइस
80 इतना दाम इसका, इतना छोटा है? लॉन्ग टाइम लास्ट। अच्छा लॉन्ग टाइम, इसीलिए रोज में आ गई। अच्छा रोज, चलिए रोज में देखते हैं। रोज देखिए 250 के पॉट के साथ, पॉट के साथ गाइस 250 में मिल रहा है। 250 में आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। कभी भी आइए यहाँ पे आइए, राम मंदिर के सिख बगल में ही है ना। हाँ। बगल में है और यहाँ पे आपका ऑर्डर भी जाता होगा। हाँ। कहाँ कहाँ जाता है आपका ऑर्डर तो ऐसा ये नहीं है मगर आनी। अभी तो देखिए आपका ऑटो में गया है पूरा एकदम फूल का बगे। तो आके ले गया। अच्छा ये आप ही अकेले है इसमें और भी ना आपका? अच्छा आप तो आपके यहाँ दिन भर रहते हैं मतलब पूरा शाम तक? आप ही जुगली पार में थे, ये सब जो आप ही किए ना, सब आप ही चार्ज किए। तो गाइस देख सकते हैं कितना सुंदर फ्लावर है। अभी भले सीजन का मौसम है, फला नहीं है देख सकते हैं, लेकिन फूल कली है देख सकते हैं। कली देखिए छोटा छोटा कली दिख रहा है फूल सब देख सकते हैं। रोज का कितना सुंदर सुंदर है, हर तरह का रोज है यहाँ। कितना कलर का तक है? 7-8 कलर। ये देखिए मेरे फेवरेट कलर येल्लो, बहुत सुंदर है। एक छोटा सा कली खिला है पर मेरा फेवरेट कलर है ये। बहुत कम ही बिकता है मतलब सॉरी बहुत जल्दी बिक जाता है क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है येल्लो। और ये बैगन का ना ब्रिंजल आएगा, ब्रिंजल देख सकते हैं गाइस 40 रुपीज। बस ये ऐसे ही रहेगा क्या? ये और बड़ा होगा? प्लांट बड़ा नहीं होगा, फल लग जाएगा। फल लग, प्लांट बड़ा नहीं होगा? नहीं, तो आगे ज्यादा फल तो नहीं होगा लग रहा है? ब्रांच नीचे से फेंकेगा। अच्छा अच्छा आपका तो गूगल पे भी है। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं मैम का यहाँ गूगल पे है, आप लोग आके ले सकते हैं। देखिए नहीं मिलता जो खाली जो है, अभी जैसे 1200 गया, अगर 500 में गया उसमें आपको 10% देते ना। चलिए अच्छा बात है आप फूल के बारे में बताया है, मुझे अच्छा लगा। तो गाइस थैंक यू मैम को बोलते हैं, सो मच थैंक यू मैम कि आपने बताया। टाइमिंग दिया है 8 से PM, मतलब सुबह खुलेगा और एक शाम को बंद हो जाएगा, फिर 3 बजे से खुलेगा, फिर 5 बजे बंद हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे राम मंदिर के ठीक बगल में ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं, आप लोग यहाँ पर फूल ले सकते हैं। यहाँ पर 20 रुपीज़ मतलब 10% आपको ऑफर दिया जा रहा है, मतलब जो फूल सब भाई वहाँ से निकल चुके हैं। और आप लोग वीडियो बनाते बनाते वहाँ पे मेरे को पुजारी जी बोला कि आप वीडियो बना सकते हैं, पर वहाँ का जो मेंबर लोग हैं, जो उस क्लब का मेंबर लोग हैं मंदिर का, तो लोग मुझे वीडियो बनाते रोक दिया है। और उसने मुझे रोक के बोला है कि आपने वीडियो कैसे बना रहा, आपने बिना परमिशन लेकर आप वीडियो कैसे बनाए। तो उनसे मैं अपने तरफ से माफ़ी भी मांगा क्योंकि गलती मेरा था और हम उनसे पूछा भी नहीं था, परमिशन भी नहीं लिया था, पर उनसे परमिशन जैसे तैसे लिया और उसने मुझे वीडियो बनाने का मौका भी दिया है। गाइस सो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का वजह से आज हम वो वीडियो दे पा रहे हैं। गाइस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन वाला घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नया नया का वीडियो अपडेट आपको मिलते रहे। और गाइस मैं आपसे एक बात बोलने चाह रहा, आप लोग सो थैंक्स, आप लोग मेरे को 500 सब्सक्राइब पूरा किया है उसके लिए थैंक्स गाइस। आप लोगों के प्यार का वजह से मेरा 500 सब्सक्राइब पूरा हुआ है, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ गाइस। और जो भी राम को अगर जो मानते हैं दिल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। टेल्को के सबसे बड़ा राम मंदिर है गाइस, टेल्को के सबसे बड़ा राम मंदिर है, आपको दिखा दिए वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक कहना चाह रहा हूँ कि गाइस कि मैं वीडियो रोज दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइमिंग और ड्यूटी के भी हम काम भी करते हैं जिसके तरह से आपको वीडियो नहीं दे पा रहा, तो जो भी हमें टाइम मिलता था आपको वीडियो देते रहते हैं। तो जैसे भी हो मेरे वीडियो ख़राब हुई हो कुछ भी हो हमको तो मुझे मालूम नहीं कि आप लोग कमेंट बन में जरूर बताइए, कमेंट भी आप लोग नहीं करते हैं और कमेंट कीजिए तो मुझे पता चले कि मैं वीडियो सही बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, ये मुझे पता भी नहीं चला। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन वाला घंटी जरूर कीजिए प्रेस कीजिएगा ताकि नया नया का वीडियो आपको अपडेट मिलते रहे, सॉरी अपडेट मिलते रहे। फिर मिलेगा एक प्रकाश भाई एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक यू।